देखें तो आपका सब कुछ खत्म हो गया है, वैसे ही दूसरी नजर से देखें तो सब कुछ आपका अभी से स्टार्ट हुआ है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो बाजू होते हैं, इसीलिए आपकी एक साइड खत्म हुई, एक गेम पूरी हुई और दूसरी गेम शुरू हुई। कि ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद ये ब्रेकअप आपको इतनी ताकत देते है कि आप ब्रेकअप होने के बाद भी, अपना रिलेशन खत्म होने के बाद भी आपकी लाइफ में बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हो, अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी इंसान को बेतहा प्यार करते हैं और इसीलिए जब आपका ये ब्रेकअप हुआ, आपका ये रिलेशन खत्म हुआ तो आपको इतनी दर्द हुआ, इतनी तकलीफ हुई। एक लाइफ को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए पता है आपको? वो हक चाहिए, वो दर्द चाहिए जो आपके पास है, आपको पता नहीं है। ये बात सही भी है कि आपका ब्रेकअप हो जाने के बाद आपकी लाइफ में जो भी कुछ था, अभी तक जो भी आपने कुछ कमाया था, आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा सपना था वो खत्म हो गया है। दोस्तों, हमें अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले जीरो होना पड़ता है, बिल्कुल जीरो, जो इस वक्त आप हो। इसलिए आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। आपके साथ क्या हुआ ये मैटर नहीं करता कि कोई और वजह से आपका रिलेशन टूटा है या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो आपके अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी, बहुत ज्यादा ताकत होगी और वही चीज है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे तक लेकर जाएगी। आपकी नजर से आप देखोगे तो आपको तो लगेगा कि यार अब जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मेरी नजर से देखो तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो गए कि अब मैं जिंदगी क्यों जीऊं और मैं जिंदगी जी के क्या उखाड़ लूंगा, किसके लिए मैं जिंदगी जीऊंगा, मुझे क्या करना होगा, किसके लिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर हो गए। लेकिन सारे आज जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दोस्तों, आपकी लाइफ का जो सपना था ना वो टूट गया है, ये रियलिटी है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो ड्रीम था अपने पार्टनर के साथ रहने का, उसके साथ शादी करने का, वो सारी बातें अब खत्म हो गई है। तो आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा सपना टूटता है तो स्वाभाविक बात है कि हमें जिंदगी में रस नहीं रहता, इंटरेस्ट ही नहीं बचता कि हम लाइफ क्यों जिए। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अब आपके पास लाइफ में कुछ भी खोने के लिए नहीं है, तो आपको डरने के लिए इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो भी आपका सबसे बड़ा था वो तो आपने खो दिया है। जिसके पास कुछ होता है उसको डर होता है कि मेरा ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, आपके साथ तो ऑलरेडी हो गया है, तो आप खुद देख लो कि आपका क्या उखड़ गया, कुछ नहीं उखड़ा, आप पहले जैसे वैसे ही हो। तो आपको यहाँ पे करना है कि लाइफ के लिए एक नया सपना देखो, यही सच्ची रीत है दोस्तों जिंदगी जीने के लिए। एक चीज थी, आपका पार्टनर, आपने किसी इंसान के लिए सपना देखा था कि वो इंसान मुझसे शादी करेगा या मेरे साथ रिलेशन में रहेगा, वो मुझे वफादार रहेगा, वो नहीं बना। कोई और इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपको आपको ये करना है कि आपकी लाइफ के लिए कोई सपना देखना है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे ये बिजनेस करना है और लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। वहां तो आप ईमानदार थे, बहुत ज्यादा ईमानदार थे, फिर भी आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला, लेकिन आप अपनी लाइफ के सक्सेस में अपने गोल के पीछे काम करोगे तो यहाँ पे आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा। हाँ, निष्फलता मिलेगी, जैसे सिपक जाते हो, आपकी सारी ऊर्जा, आपका जो दर्द है, आपकी जो ऊर्जा है, ताकत है, उसको उसके ऊपर लगा देते हैं तो उसमें होगा क्या कि बाधाएं आएगी। नॉर्मल लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो छोटी छोटी चीजों में रुक जाते हैं क्योंकि ऐसी चीजें पहले उसकी लाइफ में हुई नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ में जो चीज हुई ना, आपने जो दर्द, जो ठोकर खाई ना, वो कितना बड़ा था। तो लाइफ की ऐसी छोटी मोटी चीजें जिसे आप अचीव करना चाहते हो और उसमें जो आपको पीछे हट मिलती है, जहाँ पे वो काम नहीं होता, जहाँ पे आप निष्फल होते हैं, तो वो बहुत ही छोटी होती है आपके सामने, क्योंकि आपने तो सबसे बड़ा दर्द सहा है, दिल टूटने का, बेवफाई का, तो ये दर्द है ना, इसके सामने कुछ होता नहीं है। तो ये यहाँ पे बात यही होती है कि आप जो भी चीजें पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, तो इसमें भी आप अपनी पूरी ताकत लगाओगे, दूसरे लोगों से आपकी ताकत यहाँ पे ज्यादा लगेगी, क्योंकि दूसरे लोग ये करने से डरेंगे कि अगर यार मैं फेल हो गया तो। आप नहीं डरोगे क्योंकि आप ऑलरेडी आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बार फेल हुए, ठीक है, इतनी बड़ी आपको निष्फलता तो मिल गई है, तो ये छोटी निष्फलता आपको मिल जाएगी तो आपका क्या उखड़ जाएगा, वो तो पता है कि पहले भी कुछ नहीं उखड़ा है। तो आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे और कॉन्फिडेंस के साथ सारे काम करोगे, लाइफ शुरू करो, लाइफ को एक दिशा दो और उसको पूरा करने के लिए लग जाओ। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे कि यार मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैं क्यों इतना बड़ा आदमी बनूं, मैं क्यों बिजनेस करूं, मैं पैसा कमा कर करूंगा क्या। तो मैं आपको यहाँ पे जवाब देना चाहता हूँ कि आपका सपना पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पास एक दिल तो है जो दुखी हुआ है, तो आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझ रहे हो, ठीक है। तो आप जब काम शुरू करते हो तो आपसे बहुत सारे लोगों को फायदे होते हैं, तो आपका स्वभाव है, आपका नेचर है, ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों को हेल्पिंग नेचर बन जाएगा।
तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सब होने के बाद आप हेल्पिंग नेचर वाले इंसान ही बन जाते हो। इतना बड़ा अब इतना बड़ा धोखा खाने के बाद कोई भी इंसान परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। ये दुनिया में अच्छे लोग कौन है, बुरे लोग कौन है, कौन सा लोग काम के है, कौन से बकवास लोग है, सारे को आप एक ही नजर में पहचान जाते हैं। और इसलिए आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा रफ्तार मिलती है जो दूसरे लोगों को नहीं मिलती। इसीलिए आप बड़ी आसानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। चीज ये होती है कि आपकी लाइफ में और आपके गोल को पाने के लिए आपको डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पे कोई नहीं होगा, क्योंकि इन फालतू की चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। वो फालतू के दोस्त जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, आप इसके बारे में नहीं सोचोगे, लड़कियों के बारे में या उस लड़के के बारे में भी आप नहीं सोचोगे, क्योंकि अब आपका एक ही टारगेट है कि लाइफ में कुछ करना है। करना इसलिए कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं समझता होगा कि आप एक फालतू इंसान हो, आपके साथ रिलेशन बनाना एक मूर्खता वाली बात है, उनको ये लगता होगा। तो ये प्रूव करो आप कि आप क्या हो। तो एक टाइम है, ये मौका है अपने आपको साबित करने के लिए। लग जाओ, अपनी पूरी मेहनत लगा दो। भी आप यही बात करोगे कि यार इतना सब कुछ करने के बाद ये मैं अगर मान लेता हूँ कि मैं पा भी लूंगा तो मैं क्या करूंगा यार इन सब का। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप इस सिचुएशन में इस जगह पे खड़े हो ना, तो आपको यहाँ पे निष्फलता ये सारी चीजें दिखाई देती होगी। ऐसे लोग, बुरे लोग आपके आसपास में या आपके फ्रेंड जिसने भी आपको धोखा दिया, ये सब गंदगी गंदगी दिखाई देती होगी। लेकिन जब आप उस शिखर पे पहुंच जाओगे ना, अपनी लाइफ में कुछ कर लोगे ना, तो उस टोल पे मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे आपकी लाइफ ऐसी सेट हो जाएगी ना कि आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। रियली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली और चीजें हो आपकी और अट्रैक्ट होती है, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त, ऑटोमेटिकली जो काम के इंसान होते हैं वो आपके फ्रेंड बनेंगे। इसके लिए आपको जरूरत है इस गंदगी से बाहर निकलने के लिए और उस जगह पे पहुंचने के लिए जहाँ पे पॉजिटिविटीज है, जहाँ पे अच्छे लोग है, जहाँ पे अच्छी। आप मुझे कहोगे कि यार आप ये कैसे कर सकते हो कि वहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो मुझे फिर से धोखा दोगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सफलता की टोच पे कभी कोई भीड़ नहीं होती, वहाँ पे ऐसे गंदे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको यहाँ पे मिले, क्योंकि वहाँ पे तो सारी बातें ऐसे आपको नहीं बता रहा हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है, उसका रिलेशन, उसका सबसे बड़ा जो ये ड्रीम था, और उसके बाद उन्होंने कभी ना कभी ये माना था कि अब लाइफ में कुछ है नहीं, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे क्यों जिंदा रहो। लेकिन वो लोग फिर से उठे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े और अपनी लाइफ की वो सक्सेस को उन्होंने अचीव की। उसके बाद उनके रिलेशन भी बने और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने इस दर्द का यूज किया अपनी लाइफ। मैं चाहता हूँ कि जब प्यार में हो तो उस चीज को एहसास करो, जब आपका ब्रेकअप हो तो उस दर्द को भी एहसास करो, लेकिन उसके बाद ब्रेकअप की जो ऊर्जा है ना, उस ब्रेक यूज करो और अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाओ। का है आपके पास, ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि अपने आप को प्रूव करना है, और जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं कर देते आपको रुकना नहीं है।